बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट टूल के बारे में, जो हमारे पास यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर के रूप में उपलब्ध है। सबसे पहले कलर आई ड्रॉपर की बात करते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आप कलर पिक कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में भर सकते हैं। मैं कलर आई ड्रॉपर चुन लेता हूँ, यहाँ से कलर चुनता हूँ और जिस जगह मुझे भरना है वहाँ जाके, अब देखें आइकॉन जो है वो चेंज हो गया है, क्लिक करता हूँ तो ये कलर फिल हो जाएगा। देखिए केवल इंटरनल कलर फिल हुआ है, आउटलाइन का कलर फिल नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कलर पिक करेंगे तो जो कलर आपने पिक किया है वो फिल होगा। बिल्कुल इसी के साथ नीचे की तरफ आपके पास एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर है। अगर मैं इसे पिक कर लूँ तो अब मैं किसी पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के शेड्स को भी पिक कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये डिफरेंट शेड हैं जिसमें दो कलर हैं, अगर मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करता हूँ तो एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर उसको कॉपी कर लेगा और जहाँ फिल करेंगे वहाँ पे लगभग वैसा ही कलर कम्बिनेशन को प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ दो कलर मिक्सअप थे, उसी तरह से इन दो कलर्स को यहाँ पे मिक्सअप किया गया है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ अभी। अगर आप कलर आई ड्रॉपर से किसी सिंपल कलर अगर आप कलर आई ड्रॉपर से किसी कंबाइंड कलर्स के कम्बिनेशन को कॉपी करेंगे, जैसे यहाँ पे दो कलर्स का मिक्सअप है, मैं इसे कॉपी करूँगा और पेस्ट करने की कोशिश करूँगा तो एग्जैक्ट वो कलर कॉपी होगा जहाँ पे आपने क्लिक किया था। यहाँ पे मिक्सअप कलर कॉपी नहीं हुआ है। अगर मुझे एट्रीब्यूट्स को कॉपी करना है तो ज़रूरी है कि मैं एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर का प्रयोग करूँ, कहीं भी क्लिक करूँ और फाइनली यहाँ क्लिक करके उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को फॉलो करते हुए कलर कम्बिनेशन को उस तरह का बनाऊँ जिस तरह का कलर कम्बिनेशन मेरे पास वहाँ है। एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में देखें तो नीचे की तरफ उसका एक शेडो भी दिया गया है, जबकि यहाँ शेडो को कॉपी नहीं किया गया है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर जो है वो कलर्स के कम्बिनेशन को कॉपी करता है, ना कि बाकी शेप्स की प्रॉपर्टीज को। जैसे शेडो को यहाँ कॉपी नहीं किया गया, केवल कलर से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को ही कॉपी किया गया है। तो इस प्रकार हम कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर का प्रयोग कर सकते हैं कोरलड्रॉ में और डिफरेंट टाइप की शेप से डिफरेंट टाइप के कलर का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।